माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। और यहाँ पे इनका देख सकते हैं आप, कार्टून बहुत ज़्यादा बोलते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा कुछ वैसे हराते हैं, लेकिन कैमरा चालू होने के बाद ना इनकी बोलती बंद हो जाती है। बहुत लोग के साथ ऐसे होती है ना कि कैमरा में इंसान नहीं बोल पाता, तो वैसे ही हैं। और ये लोबर पहन के जा रहे हैं क्योंकि बारिश होती है ना, तो फिर रोड पे पूरा पानी लग जाता है। तो जीन्स पहनने पे ना, फिर जीन्स फोल्ड करते हैं ना तो ऊपर होता ही नहीं है, फिर पानी में पूरा आधा जीन्स भीज के ही आता है, ऐसे होता है। तो अब आते हैं रियल वाले आवाज़ में। जे बोलो तो अब रोना चालू करेगा, रोना चालू करेगा। छूट नहीं रहा है ना कुछ? सिवान चॉकलेट खा के तुम कहाँ फेंको, उठा के डस्टबिन में डालो। ओ देखियो देखियो देखियो, आज नहीं रोएगा आपको देखकर। बाय आयाश। तो जैसे कि गाइस आप सभी को पता है कि कल से जो है नवरात्र हो जाएगी स्टार्ट। और यहाँ पे मैं ना जो मंदिर का जो सफाई हुई सफाई कर रही थी, नीचे का जो पर्दे वगैरह है ना मैं चेंज की, यहाँ पे जो कवर वगैरह है, तो अब थोड़ा सा मतलब फ्रेश फ्रेश सा लग रहा था। मैं मंदिर हटा के पूरा जो इसका पेपर था ना वो पूरा चेंज की इसको, और यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं इसकी सफाई कर लूँगी। और क्योंकि कल से फिर स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर कल कैसे करेंगे। कल फिर अपना सुबह सुबह अपना टाइम पे वो रहता है ना, काम करना रहता है, पूजा पाठ आरती वगैरह सब चीज़ रहते हैं, उसमें घर का भी काम रहता है। और यहाँ पे क्या होती है कि बच्चों की छुट्टी भी नहीं रहती है ना, तो फिर स्कूल का तो रेगुलर स्कूल भी है सिवांस का, तो उसको भी मैनेज करना रहता है, देखना है उसको भी। मुझे लगा है कहीं 10 दिन छुट्टी रहेगी जैसे गांव में रहती है कुछ भी, तो वैसा नहीं है सिवांस का। तो मैं यहाँ पे जो है अभी कर रही हूँ, मैं बाकी सब जो है वो धोकर, जब कपड़े वगैरह जो मैं फोल्ड करके रख रही हूँ ना, धोकर तब रख रही हूँ। ये जो मैं जिस रुमाल से मैं यहाँ पे वो कर रही हूँ ना, तो उसको मैं अलग ही रखती हूँ सब। ये चुनरी वगैरह भी पहले मैं धोई थी, इसके लिए मैं यहाँ पे जो है नहीं धो रही हूँ। बाकी जिस कपड़े से मैं पोंछ रही हूँ उस कपड़े से मैं बाकी कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, उसको मंदिर के लिए मैं अलग से ही रखी हूँ। डेली मंदिर उसी से मैं पोंछती हूँ, तो इसके लिए मैं वो अलग से ही रखी हूँ। और यहाँ पर अभी आप लोग को देखने को मिलेगी जब मैं पूरा फुल इसको जब मतलब सजा वगैरह लूँगी, तब अभी उसको पहुँच रही हूँ। बहुत जल्द मतलब पता है नहीं क्यों ना गाइस, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाती है, हमेशा धूल मिट्टी आती रहती है ना, तो इसके लिए गंदा हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दी हूँ कि ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ तो कुछ। इस तरीके से मैं यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं सिलाई मशीन पे ना पूरा बर्तन वगैरह जो है पूजा का उठा के रखी हूँ, थोड़ा सा एक झलक आप लोगों को मिली होगी। और यहाँ पर मैं गाइस एक चीज़ आप लोगों के साथ ना शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइस, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट, जो कि मैं सुनी हूँ। ये है जो ये हनुमान जी का वो है ना फ़ोटो है ना, तो इसमें क्या होती है ना कि मतलब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि जो इसको पता नहीं कुछ बोलते हैं, मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा कि इसको ना मंदिर में नहीं रखा जाता है। तो मैं यही आप लोगों से पूछ रही हूँ कि इनके जो सर है ना वो, हाँ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पंचमुखी ऐसे शायद बोलते हैं, पंचमुखी हनुमान जी हैं, इनका 5 सर है। तो क्या इसको हम मंदिर में लगा सकते हैं? नहीं, बहुत लोग बोले कि आप गेट के पास दरवाजा के पास लगा सकते हो गेट के ऊपर, लेकिन मंदिर में नहीं लगा सकते हो। तो इसके लिए मैं आप लोगों से चाह रही हूँ पूछने के लिए कि आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसको मंदिर में रखते हैं कि नहीं रखते। और ये जो मेरा नारियल का पेड़ है ना, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मंदिर का ना मतलब इसे ना मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर का जो शो है ना, यही जो मंदिर का शो है ना, मुझे लगता है कि इसे कहीं ज़्यादा खिल के आता है। ये जो नारियल का वो है ना, इसे ज़्यादा ही मंदिर खिल के आता है। यहाँ पे जो है फूल का माला मैं यहाँ पे मंदिर में चढ़ाई थी, क्योंकि ये बड़ा माला है तो फिर अंदर वाले फ़ोटो में माला आता ही नहीं, इसके लिए मैं मंदिर पर चढ़ाई थी। तो यहाँ पर जो है दिया वगैरह जब जल रहा था ना गाइस, तो वहाँ पर उसके धुएँ से ना वो थोड़ा सा सिकुड़ रहा था, इसके लिए मैं एक माला इस पर लगा दी।
क्योंकि ये प्लास्टिक वाला और एक ऊपर लगा थी, तो आप लोग बताइएगा कैसे लग रही है। अभी पूरा फ्रेश दिख रहा है ना ऐसे भगवान जी। और मैं एक साइड रखी गन्नू जी को, गणपति जी को एक साइड, कान्हा जी को, और बीच में रखी हूँ माँ दुर्गा को। तो कुछ इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर जो है ना, मतलब मैं तैयार कर ली हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो बताइएगा आप लोग कैसी लग रही है, और पूरा फ्रेश फ्रेश दिख रहा है ना, अच्छा लगता है पूजा वगैरह भी करने में। तो गाइस यहाँ पे दोपहर का टाइम है, और मैं यहाँ पे घी निकाली हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो वहाँ माखन निकाल के ऐसे घी निकालते हैं ना, वैसे मैं घी निकाली हूँ। बची हुई घी ना इसमें लगी हुई थी कढ़ाई में, तो मैं एक उपाय सोची हूँ अभी करके, मैं इस रोटी से ना आपको लड्डू बना के दिखाऊँगी, और बहुत ही टेस्टी होता है गाइस, आप लोग ट्राई कर सकते हैं बची हुई रोटी से। तो अभी क्या होता है, मैं मैक्रोनी बनाने वाली थी पास्ता बच्चों के लिए, मैं अपने लिए भी, तो दो रोटियां मेरे पास बच गई थी, तो उसका मैं सोची ना कि क्यों ना, तो मैं जो है यहाँ पे सोची ना कि क्यों ना इसको मतलब लड्डू बना दूँ। तो यहाँ पे घी थी, तो घी लगी हुई थी कढ़ाई में, तो फिर मैं उसमें घी डाल करना सॉरी रोटी डाल करना फिर इसको बनाना चालू की। तो कुछ इस तरीके से मैं इसमें घी में ना रोटी को गर्म कर रही हूँ, और गैस मेरा चालू ही है। यहाँ पर मुझे ना थोड़ा सा घी कम लगी, आप इसको तेल में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर घी मुझे थोड़ा कम लगी, तो थोड़ी सी और जो है ना घी में हल्की सी और डाल दी, ताकि ना थोड़े से बच्चे भी खाएँगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दिया, आप ऑयल भी डाल के इसमें बना सकते हो। जैसे मैं घी मेरी जो है कढ़ाई में बच गई थी, इसके लिए मैं रोटी डाल के बना रही हूँ, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि ऑयल में भी मैं बनाई हूँ, वो भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे जो है ना गाइस, तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो, मैं रोटी इसमें गर्म कर रही हूँ, तो बिल्कुल गैस का फ्लेम ना कम था, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा क्यों कर रही हूँ इसको। फिर मैं जो है ना निकाल दी उसमें, एक प्लेट में निकाल दी, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गुड़। जो गुड़ आती है ना, तो एक गुड़ अच्छा होता है ना बच्चों के लिए भी, या कुछ भी ऐसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गुड़ निकालने के बाद। गुड़ मैं अभी तुरंत इसके लिए डाल रही हूँ ना, ताकि रोटी गर्म है ना, तो गुड़ इसमें मिल जाएगी। गुड़ डालने के बाद रोटी का जो टुकड़ा है ना, और छोटा छोटा मैं टुकड़ा करके पूरा मसल दूँगी। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, पूरा मैं मसल दी हूँ। अगर आपको रोटी ठंडी हो गई होगी, तो आप इसमें मिक्सर में भी पीस सकते हैं, मिक्सर में पीस के बना सकते हैं। लेकिन मेरी रोटियाँ गर्म ही थी ना, तो खूब अच्छे से मसल गई, और घी भी थी साथ में, तो मसल गई उसमें। और उसके बाद यहाँ पे जो है लड्डू देख सकते हैं आप, इसमें गुड़ और रोटी का लड्डू जो है कितनी अच्छी बन गई। तो मैं सोची ना कि मैं बना रही थी बच्चों के लिए, तो मैं सोची कि दो रोटियां बनी है, क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं। तो आप लोग कैसे लगी आज का वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये जो चीज़ है ना गाइस, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आप नारियल वगैरह भी घिस के डाल सकते हो, लेकिन मैं इसके लिए नहीं डाली ना, क्योंकि मेरा जो बच्चा है ना, वो नारियल नहीं खाता है। किसी भी चीज़ में नारियल डाल दूँगी ना, तो खाता ही नहीं है। इसके लिए ना मैं यहाँ पर नारियल नहीं डाली बच्चे का, नहीं तो आप इसमें नारियल भी घिस के डाल सकते हो, तो और भी ज़्यादा टेस्टी होगा, और भी ज़्यादा अच्छा होगा। आप इसमें जितना किशमिश वगैरह कुछ भी डाल सकते हो। तो फाइनली जो है मेरे लड्डू बन गए, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो दो रोटी के इतना ही लड्डू बनी, और बहुत ही अच्छी बनी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कुछ इस तरीका से, और बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है गाइस। आप एक बार बना कर खा कर देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फाइनली जो है मेरा जो लड्डू हो गई है तैयार। तो आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। कल आने वाली है दुर्गा माता, तो उसका तैयारी जोरों शोरों से कीजिए। तो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, एंड जय माता दी। मेरे तरफ से आप सभी को, जितने मेरी यूट्यूब फैमिली है, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता रानी सबके घर में आए, सबके घर में आए, सबके घर में कष्ट जो दुख है वो दूर करे, सबके घर में खुशियाँ लेकर आए, और बहुत सारा प्यार सभी को मेरे तरफ से।